तुम्हारे बातों सुनकर मुझे तरस आता है, क्योंकि 1200 दुल्हा को तुम्हारा भैया सर काट के मर में झुला दिया। आज 13वां दुल्हा के करता इंतजार, अगर ये बात मुझे तुम पहले कहते हो तो मैं तुम्हारा भैया जी को मैं अभी दिखा दो। मैं किसी चोर के बेटा नहीं, मैं सीना चोर के बेटा हूं। मैं तुम पे कोड़ा चलाया, मैंने गलत किया, लेकिन तुम जब कहते हैं 1200 बरगद दुल्हा का सर जुदा करके मरवे में टांग दिया, तो 13वां दुल्हा के करते इंतजार, तो चिंदा आज ये 13वां दुल्हा बन के किला नटवर में है, और अपनी भैया से खबर कर दे राजकुमारी चंदा। स्वामीनाथ, मैं तुम्हारे बातों सुनकर तुम पे तरस आया और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। सच में मैं मर्दा बा पर कोनो विश्वास ना, के मर्दा बा साहब निक निक बोली बोलत रहा, अब मन तक तो यार ये सुनू या नहीं है, हमरा सब प्यार करे छिए ना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सच में प्यार करते हैं? सही में? तो कही तब बाप मर जा। स्वामी जी हमें भूलिएगा तो नहीं? मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो चांद्र बरन में मिर्गा लोचा है गोरकी की तोरा ये सना दुनिया में ना कोई। गोरे गोरे गलबा पे प्यारी है काली छौ तोरा पीला कान है। आय 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 क्यों नहीं समझी तबाया बा मारे छौ गे पुका तुहरे करण में है सुंदरी, तुहरे करण में है सुंदरी, मोहब्बा हम तेज बहना है तेज दल है कूला है पारी बार।
जुड़ला पीर दिया है प्यारी हाँ जो कोई तोरा तैना है हाय 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 वाके लिखा तैना राकाबा में स्वामी जी अब मुझे पूरा विश्वास है लेकिन समय अब तो सवेरे होने जा रहे हैं भैया जी को टाइम हो चुका है अगर भैया जी आपको मनुष्य तन में देखेगा तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसलिए मैं लोहे के पिंजरे में फिर बंद करके रख देती हूँ खाना खिलाकर स्वामी जी जब मैं तुमसे प्रेम कर लिया तो लगता है पगली बन गई है अच्छा गम्या गम्या गम्या। हम तो लगता कि मार जाती हाय हाय अनैता जहार खैती आ लोग बाग के सुनी चुनी ताना सुन पगली गे पागल कही है प्यारे तू ही हुए तू ही हमारे जान है तोहरा के मन ले रही दिल से भगवान है हो प्रीति प्यारी तू ही रहे तू ही हमारे जान है तोहरा के मन ले रही दिल से करार कई की हमसे प्यार कई के दिल से खेलबार कैले दिल से तो कैला तू जगाना है सुन दीवाना रे ये हमरा तीनों के प्यार रहते बरामद किने आई सुन दीवाना रे दीवानी कहे धन्यवाद सुधरो आज सुनसानों को जैसे लग रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इतने दिनों से मैंने राजनीतिक में लगे हुए थे भैया लेकिन घर की तो याद ही भूल गए हैं जितनी नरनारी लोग थी उन लोगों की मैंने महल के पास बुलाए साथ साथ एक छोटी लारली बहन की भी महल के पास बुलाए रे रहिया जो है ती होगी मेरी ब्याही ये महल की भैया पास रे रहिया जो ती होगी सतबरती मेरे महलों में होगी मेरी प्यारी ये बहनिया रहिया दोहती होगी सुंदरी मेरी महलों में सोच कब मेरी आएगी सिंदूर की सुहाग रे रहिया दोहती जो होगी महलों में लोग हैं वो लोग महल के अंदर राह जोती होगी तो मैंने इसी क्षण चल के जितनी नरनारी लोग हैं उन लोगों से मिलेंगे
और साथ साथ छोटी लारली बहन से भी मिल गए। रे रम गए दीवाना अब भैंसा ये मल की भैया बा, रे रम गए दीवाना भैंसा मोती ये महल को, हमना जो बैठी होगी प्यारी जे दुल्हनिया, अरे हमना जो बैठी होगी प्यारी सतुपरती, ए बेटा कारण मैं नटिन बनी हूँ आप नट बन गए। अब बेटा के कारण बाबू सब यही पानल यही चाहता के नटिन याना रे जा, अरे जा आना पानल यही चाहता के नटिन याना रे जा, रे जा द्वारे द्वारे यही घुमाबई बेटा के कारण हमारे जाते हैं भैंसा सिंह को मंगले पर और ए रास्ते जाते हैं वो रंडी बेसर में चंदा को महल में। आप दाएं से निकलिए मैं बाएं से निकलती हूँ। ठीक है तू जाएगी अंगराज में, मैं जा रहा हूँ भैंसा सिंह का बंगला पर। हाँ देवर जी, अगर जैसे बेटा पता लग जाएगा मैं आपको खबर जना दूंगी।
दिखाई देवे छी। अब जल्द से यहां से चलिए भैसे सिंह का बंगला पर। तू अभागी चंडा का महल में जाएगी। क्यों नहीं देवर जी, जल से जा रहा हूं, जा रहा हूं। या बाबा टाके करो नमाज़ ऐ बाबू सा। चलिए